हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान में, और ये स्पेशली जो वीडियो है हमारी, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए, ये हमारी साइंस जनरल साइंस की वीडियो है। तो आज हम लोग देख लेते हैं जनरल साइंस होती क्या है, अगर बात करें विज्ञान की इसमें क्या क्या आपके सिलेबस हैं और कौन कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। आज हमारा ये फर्स्ट क्लास है। तो दोस्त देखिए, आइए हम लोग पहले बात करें अगर विज्ञान की, तो हम लोग विज्ञान में बात करेंगे तो आप विज्ञान की एक बचपन से बहुत ही फेमस परिभाषा बोलते आ रहे हैं कि विज्ञान सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा यहाँ पे, अगर यहीं पे आपके मन में एक डाउट हो जाए, देखो किसी चीज को पढ़ना है तो बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब यहीं से आपके मन में एक चीज आ जाएगा कि यार बताओ, अगर हमने डिफिनेशन बताया साइंस का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो किसका हम लोग सुव्यवस्थित, किसका सुसंगठित, किसका क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहां से मैंने साइंस का केवल एक लाइन में डिफिनेशन क्या निकाला, सुनिएगा ध्यान से, गौर करिएगा मेरी बातों को, और आई होप कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो मैंने बताया कि विज्ञान, अगर हम लोग बी को मिटा दें तो ज्ञान, अगर विज्ञान में से बी को हटा दें तो ज्ञान, किसका ज्ञान, द्रव्यों का ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान, अर्थात द्रव्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और दोस्त आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा कि अगर सर आपने बोल दिया कि द्रव्यों का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है तो द्रव्य क्या होता है, तो दोस्त यहां से मेरा आपको सीधा उत्तर आएगा, दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, और जिसमें भार होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। अब यहीं से आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर सारी वस्तुओं के हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो कौन सी एक ऐसी वस्तु है जो द्रव्य नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे यूनिवर्स में कि कुछ ऐसे भी उदाहरण होंगे कि जो द्रव्य नहीं होंगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो दोस्त मेरा उत्तर सुनना, इसका उत्तर क्या होगा, जितने भी हमारे अंदर से भाव प्रकट होंगे, जैसे इमोशन, लव, घृणा, नफरत, ये सब क्या है, द्रव्य नहीं है। इनको हम तो फील तो करते हैं, लेकिन क्या इसमें भार होता है, क्या इसमें द्रव्यमान होता है, क्या ये स्थान घेरती है, क्या नहीं, इसलिए द्रव्य नहीं है। हमने द्रव्य का डिफिनेशन क्या बताया, दुनिया की वो सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं द्रव्य है। अब यहां पे एक चीज और गौर करिएगा, हम भी द्रव्य हैं और ये हमारा मार्कर भी द्रव्य है, तो हम किस प्रकार के द्रव्य हैं और ये मार्कर किस प्रकार के द्रव्य है। और आप गौर करिएगा, अगर हम बोले कि हम किस प्रकार के द्रव्य हैं, तो हम सजीव द्रव्य हैं और ये क्या है, ये निर्जीव द्रव्य का उदाहरण है। तो अब यही से आता है कि द्रव्य को हमने यहां पर बांटा तो द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक सजीव द्रव्य और एक निर्जीव द्रव्य। सजीव द्रव्य क्या होता है, इसका थोड़ा सा सुनिएगा, वे सारी वस्तुएं जिनमें वृद्धि और विकास होता है, जो श्वसन करती हैं, जो प्रजनन करती हैं, वो सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, सजीव द्रव्य कहलाती हैं। और निर्जीव द्रव्य वे सारी वस्तुएं जो प्रजनन नहीं करती, जिनमें वृद्धि और विकास नहीं होता, वो सब क्या कहलाती है, आपकी निर्जीव द्रव्य कहलाती है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, भैया बताओ जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होगा, तो आप वही घिसा पिटा डिफिनेशन बताओगे क्या, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यही होगा और बचपन से हम लोग यही पढ़ते आते हैं। लेकिन अगर यहां से अगर आप आज देख रहे हैं हमारे चंद्रा चैनल को, तो आप आज से विज्ञान, जीव विज्ञान का डिफिनेशन केवल एक लाइन में बताएंगे और क्या बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या बोलिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सजीव द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। और यहां से जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला होता है जंतु विज्ञान
और दूसरा का होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जंतु विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु का ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब यहां से आपसे यह डिफिनेशन क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जीव विज्ञान का फादर कौन होता है, इसका जनक या इसका पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। अब यहीं से क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन होता है, तो अरस्तु। और अगर आपसे पूछ ले वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस। आप लोग लिखते रहिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहेगा, थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। अब आइए अब बात करते हैं हम लोग व्यवहारिक विज्ञान या फिजिकल साइंस की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, हमारा व्यवहारिक विज्ञान या फिजिकल साइंस कहलाता है। अगर व्यवहारिक विज्ञान की बात करें तो व्यवहारिक विज्ञान को जनरली दो भागों में बांटा जाता है, पहला क्या होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा का क्या होता है रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान का अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृति या प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण संरचना तथा उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन होते हैं, तो भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन होता है और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो लेवासियो को कहते हैं। या फिर बोलेगा आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा अब न्यूटन नहीं, अब होगा आइंस्टीन। तो गाइस आई होप कि ये आपको क्लियर हो हुआ होगा। तो आज हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के चैप्टर को हम लोग कंसीडर करेंगे अपने सिलेबस में। तो आइए हम लोग बैक टू बैक देखते हैं, पहले भौतिक विज्ञान में हमको कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में है और कौन कौन से पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम लोग भौतिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में, तो हमारा फर्स्ट सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर है आपका मापन, इसके बाद गति तथा बल, इसके बाद आपको मिलेगा कार्य शक्ति और ऊर्जा, कार्य शक्ति और ऊर्जा। इसके बाद आपको जो चैप्टर मिलेगा चौथा उष्मा, इसके बाद आपको चैप्टर मिलेगा प्रकाश, इसके बाद आपको चैप्टर पढ़ना है विद्युत। ये इतने आपको चैप्टर क्या करने हैं, आपको ईपीएसआई में कंसीडर करने हैं। और इसके अंतर्गत भी हम जितने भी डीप पॉइंट होंगे वहां पे हम लोग हम आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करते चलेंगे। जितने यहाँ से डीप में आपको इसके अंदर जितना जाना होगा, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, उष्मा हो गया, कार्य शक्ति और ऊर्जा हो गया, गति तथा बल हो गया, मापन हो गया, अब इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर होंगे सारे चैप्टर को हम बैक टू बैक देखेंगे, आपका एक भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगा। और आप जब पेपर देकर आएंगे तो आप बोलेंगे कि हम कहीं ना कहीं अच्छी प्लेटफॉर्म पे थे। और चंद्रा इंस्टीट्यूट इतना इसका हमारे इंस्टीट्यूट से जितने भी विद्यार्थी पढ़े हैं, आप उनसे पूछिए क्या रिस्पांस मिलता है, तो उनका जवाब होगा चंद्रा इज बेस्ट, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। देखिए टोटली है ये सारी चीज़ें, आप इसको इसी तरह बैक टू बैक कंसिडर करिए। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा कार्य शक्ति और ऊर्जा। अगर देखिए अगर हम पूछें आपसे कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में, तो कार्य शक्ति और ऊर्जा, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कार्य के बारे में, ठीक है। अगर कार्य हम लोग देख लेते हैं तो कार्य को अगर डिस्कस करेंगे, फिर शक्ति और इसके बाद फिर ऊर्जा। तो देखिए अगर बात करें कार्य के, तो अगर कार्य आप डेली लाइफ में क्या, खाना पीना सोना उठना बैठना पढ़ना लिखना इत्यादि से आप समझते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में इसको कार्य नहीं कहा जाता है। साइंस के दृष्टिकोण से आप कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आप स्टडी कर रहे हो
आप कितने घंटे से स्टडी कर रहे हो? तो आप बोलोगे सर 4 घंटे से कार्य कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि भैया आपने कोई कार्य नहीं किया, 0 किया, तो आपको गुस्सा आ जाएगी कि यार मैं तो 4 घंटे से स्टडी कर रहा हूं और सर बोल रहे हैं कि मैंने कोई कार्य ही नहीं किया। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग कार्य को जब तक होना नहीं समझेंगे, जब तक हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, जब तक हमारे बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, यानी हमारी जब तक बॉडी विस्थापन हो, जब तक बॉडी हमारी मूवमेंट नहीं करेगी, तब तक हम लोग कार्य को होना नहीं समझेंगे। तो आइए कार्य का हम लोग एक सिंपल सा डिफिनेशन देखते हैं जो आप जानते हैं। अगर कार्य की बात करें तो कार्य को W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कार्य होता है क्या, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन है। हमने बताया कार्य यानी W, वर्क को हमेशा W से डिनोट करेंगे, और मैंने डिफिनेशन आपको बताया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल में बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के क्या क्या होता है, वर्क हमारा बराबर होता है। अब आइए यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे, बड़ा फेमस, कि वर्क की बात किया तो वर्क का मात्रक क्या होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, वर्क का मात्रक क्या होता है। तो अगर वर्क के मात्रक की बात करें तो वर्क का मात्रक जूल होता है। एसआई पद्धति में जो वर्क का मात्रक होता है वो जूल होता है। अगर सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक, देखो सीजीएस अगर कार्य पूछे चाहे ऊर्जा पूछे, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। आप इस चीज से कभी कंफ्यूज नहीं होखिएगा। तो सीजीएस पद्धति में भी होता है क्या, कार्य का मात्रक अर्घ हो जाएगा। ध्यान से इस चीजों को सुनिएगा। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है वर्क। अब सपोज दैट मैंने एक पॉइंट लिखा है आपसे, यदि बल F तथा विस्थापन S के बीच थीटा कोण बनता हो, जैसे यहां पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया है, यदि बल F तथा विस्थापन S के बीच थीटा कोण बनता हो तब आपका वर्क क्या होगा, तब आपका कार्य क्या होगा। तो सुनिएगा, W इक्वल टू Fs cos थीटा, क्या हो जाएगा हमारा, W इक्वल टू Fs cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, कार्य का मात्रक मैंने बताया जूल होता है, और पूछता है कि भैया बताओ कार्य कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, कार्य कौन सी राशि है, सदिश की अदिश। तो आपका उत्तर होगा कार्य एक अदिश राशि है, लेकिन आपके मनवा में आएगा एक और बतिया, क्या आएगा सुन लो सर, क्योंकि बल जो होता है सदिश राशि होता है और विस्थापन भी क्या होता है, सदिश होता है। तो आप दिमाग लगाने लगते हो कि जब ए सदिश तो ये भी सदिश होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दोनों सदिश राशि है, लेकिन वर्क कैसी राशि है, अदिश राशि है। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम बात करेंगे सदिश अदिश जब पढ़ाएंगे तब क्यों है, लेकिन यहां पे आप सुनिएगा। अगर बात करें कार्य का, तो मैंने बोला कि कार्य आपका 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। किस कंडीशन में आपका कार्य 0 होगा, किस कंडीशन में आपका कार्य नेगेटिव होगा, किस पोजीशन में आपका कार्य नेगेटिव होगा, सारी कंडीशन को हम लोग देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें हम लोग कि कार्य कब क्या होगा, कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, अगर बात करें हम लोग कार्य की, तो सुनिएगा, आदि थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 डिग्री। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, W इक्वल टू F इंटू S cos थीटा, यही पढ़ा था, ये वेक्टर लगा दे रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है दोनों, यही हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला कि W इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। अब जब जो हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या होता है बताओ, cos 0 का मान होता है 1। तो इस दिशा में क्या होगा, इस टाइम पे हमारा अगर cos का
जीरो का मान वन हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वर्क होगा, वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, यानी विस्थापन बल की दिशा में हो तो वर्क उस टाइम क्या होगा, होगा, ठीक है, उस टाइम वर्क जीरो नहीं होगा। लेकिन यहां पे एक और चीज गौर करिएगा, अगर बात कर दें, अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी अगर बात करें हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब कि यानी विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो, क्या यानी जो हमारा विस्थापन है वो बल की लंबवत दिशा में हो, तब क्या होगा, तब देखो आपको बताएं कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो डिग्री, जीरो होता है कॉस, सॉरी कॉस 90 का मान जीरो होता है। अब अगर इस फॉर्मूला में आपने क्या लिखा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू यस कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान क्या हो गया वन, तो उस कंडीशन में आपका वर्क हुआ। लेकिन आपने क्या लिखा, कॉस 90 का मान जीरो हो गया, जीरो का मान क्या हो गया, सॉरी कॉस थीटा का मान 90 हो गया, तो 90 का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, तो पूरा वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। वर्क हमारा कितना हुआ, जीरो। यानी अगर आप बात करें, यानी विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। हमने बोला आपसे पहले ही कि जो बल होता है, जो हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, एक होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, सारा चीज होता है। अगर हम आपको फिर से रिपीट कर दें कि कार्य को आप डेली लाइफ में किससे समझते हो, पढ़ना लिखना सोना खाना, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में एक कार्य नहीं होता है। फिर से आप सुन लीजिएगा ध्यान से, कार्य तभी होगा जब आपकी बॉडी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, तभी आपकी, आपको साइंस के लैंग्वेज में कहा जाएगा कि आप वर्क कर रहे हैं। अब देखिए आइए थर्ड कंडीशन पे, कि कार्य धनात्मक कब होगा, तो कार्य धनात्मक कब होगा ध्यान से सुनिएगा, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा का मान किससे बड़ा हो जाए 90 से, तो उस कंडीशन में हमारा कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की अगर बात करें हम लोग, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तब हमारा वर्क धनात्मक होगा। अगर और दूसरे कंडीशन की बात करें, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन जब हो गया तब धनात्मक होगा, लेकिन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तब आपका क्या होगा, जो वर्क होगा वो ऋणात्मक होगा, ध्यान से सुनिएगा, ऋणात्मक होगा। वर्क क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इतनी बात क्लियर है, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री यानी थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तब हमारा धनात्मक होगा वर्क। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब हमारा वर्क क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इसको छोड़ो, अब सिंपल से आपको मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं, जो आप अपने डेली लाइफ में काम करते हो, तब आपको शायद वर्क की सारी बातें समझ में आ जाए। अगर बात करें, कोई एक हमारी क्या है, वस्तु है, क्या है, कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पर एक आदमी इधर से कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का, और एक इधर से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है कितना, 4 न्यूटन का, और हम चाहते हैं कि इस वस्तु पर हमने इधर फोर्स लगाया तो बल किधर हो, जो हमारा विस्थापन किधर हो, इस डायरेक्शन में हो, यानी बल हम लगा रहे हैं, विस्थापन हमारा किधर हो रहा है, बल की दिशा में हो रहा है, तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कार्य होगा, कार्य जीरो नहीं होगा, कार्य होगा, और कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव कार्य होगा, ध्यान सुना, क्योंकि ये जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही कर रहा है। अगर बात करें फिर दूसरे केस की, चलो अगर हम भी इधर से 4 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से भी क्या हो रहा है, 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा है,
अब देखो ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, बॉडी कोई भी स्थापित हो रही है क्या। मैंने क्या कहा कि वर्क तभी होगा जब आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी, आपके बॉडी में विस्थापन होगा तभी आपको वर्क कहा जाएगा। अब आपने भी इधर से 4 न्यूटन लगाए और इधर से भी क्या हो रहा है, 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो उस टाइम में वर्क नहीं होगा, उस टाइम में वर्क हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर बात करें फिर से, अगर चलो इधर से मैंने 4 न्यूटन लगाया, इधर से किसी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब हम चाह रहे थे कि हमारा क्या हो, विस्थापन इस डायरेक्शन में हो, लेकिन इधर वाला जो फोर्स है वो हमसे क्या कर रहा है, ज्यादा तगड़ा है। अब एक काम हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है, हमारे विपरीत हो रहा है, तो हमारे लिए क्या हुआ, विपरीत हुआ कि नहीं। हम चाह किधर रहे थे कि हम इस पे फोर्स लगाए और इसका विस्थापन इधर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर बल लगाएं इधर और विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क क्या होता है, निगेटिव और निगेटिव होता है। वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव, समझिएगा चीजों को। चलिए, तो ये वर्क के सारे कॉन्सेप्ट रहे। वर्क में आपने क्या पढ़ा, वर्क एक अदिश राशि है, वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अदि बल तथा विस्थापन के बीच अगर मान लो थीटा कोण हो तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, या फिर 2s cos थीटा। इतनी चीजों को हमने देखा किसमें, कार्य में। अब बात करते हैं हम लोग ऊर्जा के, शक्ति अभी छोड़ दो क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों क्या है, दोनों मैचिंग करते हैं। तो पहले हम लोग ऊर्जा देख लेते हैं। ऊर्जा क्या होती है, पहले डिफिनेशन देखिएगा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर बात करें इसके एसआई मात्रक का, तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्क होता है। और सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। 1 joule = 10^7 arc बहुत बार पूछा जाता है, 1 joule कितने अर्क के बराबर होता है, तो 10^7 arc के। अर्क क्या है, ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। अगर आगे और बात करें हम लोग, एक अर्क में कितना जूल होता है, तो 1 arc = 10^-7 joule। ये सब पॉइंट को आप नोट डाउन अपने नोट में करिएगा। चलिए अगर और बात करें, आगे और बढ़े ऊर्जा के टाइप की, तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला आप देखिए गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है या आ जाती है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा को के ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा को के ई से प्रदर्शित करते हैं। अब आपके मन में आएगा, सर ये बताइए कि ऊर्जा कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो चाहे कोनो प्रकार की ऊर्जा हो जाओ भाई साहब, हर टाइम अगर ऊर्जा की बात आएगी तो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि होगी, ठीक है। अभी एक बार एक पेपर में दिया हुआ था कि गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश। तो हमने आपको एक ही चीज बता दिया, कोई भी ऊर्जा मिल जाएगी, ऊर्जा अगर की बात कर दिया तो ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अदिश राशि होगी, राइट। चलिए हमने क्या बताया, गतिज ऊर्जा को के ई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी वस्तु का, किसी वस्तु का द्रव्यमान यम तथा उसका वेग भी हो तो गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m/v². क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू 1/2 m/v². अब यहां से देखिए कितने जोरदार और कितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या होता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं इसी वाले फार्मूले से, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। कहता है कि अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कहेगा कि अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि पहला पॉइंट लिखेगा, किसी वस्तु
का वेग दो गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। एकदम पूरा एकदम ध्यान से लिखिएगा, क्या यदि किसी वस्तु का वेग दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, फोर टाइम्स बढ़ जाएगी। आपको ये नोट करना है, यही एग्जाम में आपके यही पॉइंट मिलते हैं देखने के लिए। आप देखिएगा जब प्रैक्टिस सेट करिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एकदम हूबहू यही मिल जाएंगे आपके विकल्प में। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का वेग 1/2 गुना कर दिया जाए, यानी वेग को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तब गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तब गतिज ऊर्जा 1/4 गुनी हो जाएगी, 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग 1/2 गुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए यहां पे दो क्वेश्चन हुए, अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यदि किसी वस्तु का वेग के जगह पे क्या कर दिया, क्योंकि यहां पे दो ही चीज है, एक m है और v है, क्या कहेगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना गुना, दो गुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो अब गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी दो गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दो गुनी हो जाएगी। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/2 गुनी हो जाएगी, राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब एक और क्वेश्चन यहां से आता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, संवेग डायरेक्ट, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो देखो जो संवेग होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं, और संवेग और गतिज ऊर्जा में जो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, वो होता है पी स्क्वायर अपॉन 2a। अर्थात अगर बात करें, यदि किसी वस्तु का संवेग दो गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। आप नोट करिए, यदि किसी वस्तु का संवेग दो गुना कर दिया जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। नोट करके लिखिएगा, चार गुना हो जाएगी। अब यही से क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो 1/2 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। तो आप सारे पॉइंट्स को नोट करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप एक बार जरूर मेरे लिए शेयर और लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन हमारी क्लास की नहीं पहुंच पाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो गाइस इसी के साथ आज मैं लेक्चर अपना यहीं तक समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।